अभी मेरे एक भाई कौन बोल रहे थे मशीन सेटिंग है। केजरीवाल 70 में से 67 जीत जीता तब आपको ईवीएम से कोई नाराजगी नहीं होती। बीजेपी की 270-300 सीट आ जाए तो तुम्हें ईवीएम करने लग जाते हो यार। बंगाल में चुनाव ईवीएम से होता है, बैलेट पेपर से होता है? ईवीएम से होता है, ईवीएम से होता है। तो बंगाल में ईवीएम सही कैसे हो जाती है? ईवीएम सही हो जाती है, मतलब कभी गड़बड़ भी होती है, कभी सही भी होती है। गुजरात में गड़बड़ हो जाती है, साल में चेक नहीं करा पाए। ये भटके हुए आदमी है, इन बेचारों को एक चीज बोला गया है तो वहाँ पे जाओ ऐसा ऐसा बोलना है। ये बेचारे इनकी गलती नहीं है, वो ममता दीदी की गलती है। देश की प्रधानमंत्री जो है ममता बनर्जी बनने जा रही है, आप लोग उनके लिए ताली मार। 42 वाले सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, पहले 42 वाले 42 तो जीत लो। आलू डालो सोना निकले, कहाँ से बनाएगा वो सोना? अरे भैया मैंने भाई का आपको मैं अच्छी से बता रहा हूँ। संविधान किसे कहते हैं? संविधान का मतलब क्या होता है? कानून की बात करने वाले आप क्यों कानून की बात करते हो? जब नहीं पता तब संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान की पहली बैठक कब हुई? संविधान की उजन क्या है? अरे फिर यही बात, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बेहतर मोदी का बेहतर विकल्प बताइए। नहीं, मोदी जी जो देश में किए अच्छा किए, ज्यादातर जुमले बदलना चाहते हैं? नहीं, ज्यादातर जुमला में जो बात जो बोले उससे लोगों को तकलीफ है। आप भी परेशान इसीलिए? नहीं, हम नहीं, छोटे जाति के लोग, आदिवासी, रिक्शा चलाने वाले, वैन चलाने वाले, जमीन में, रास्ता में, जाति बड़ी जाति जात में बांट के रखो, ये छोटा ये बड़ा है, सब हम हिंदुस्तानी है, कोई जात नहीं है, सबसे बड़ी इंसानियत है जात। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है। एक मिनट के, राहुल गांधी ने भी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हम जातिवाद में बांटेंगे क्योंकि जातिगत जनगणना कराएंगे। नहीं, वो ऐसा हम नहीं सुने स्पीच में कि वो बोले। सुने हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम बंगाल से आए भैया। ओ, वो तो अलग भूमि है क्या? है अलग भूमि? कहाँ, कोई अलग कोई भूमंडल है क्या? हाँ, ममता बनर्जी को आप देखते होंगे, हमें खबर नहीं पहुँचती आपके पास? हाँ, ममता बनर्जी के पास सब खबर। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में क्या कहते रहते हैं? राहुल हमेशा वो सबको भगाती है, जो बंगाल को गंदा करने आते हैं उसको भगा देती हैं। वो देख लीजिए, बंगाल हमारा साथ देश के अंदर कहीं भी रामनवमी पर दंगा नहीं हुआ, आपके बंगाल में दंगा हुआ? नहीं, देखिए अब संदेश खाली में भी क्या हुआ, कितना अच्छा, पूरे हिंदुस्तान से अच्छी खबरें जा रही संदेश खाली से, जो उनका MLA अभी इसी कांड में जेल में है। अच्छा, बंगाल संदेश खाली का मामला कानून के पास में है, आप जो है संविधान पे भरोसा करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुकदमा कराने के लिए भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कराने के लिए महिलाओं को धरना देना पड़ा, अनशन करना पड़ा, 60 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। आज किसान भी धरना दे रहे हैं, आप शायद उसका न्यूज नहीं देखा है, आप तो पत्रकार हैं, चला रहे सब ट्रेन रुकी हुई है। किसान को अपना खेत छोड़ने से टाइम नहीं है भाई। मणिपुर चल रहा है, आप उसका न्यूज नहीं दिखाएंगे? मणिपुर का नहीं करते हैं? संदेश लोग वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट। अभी मेरे एक भाई कौन बोल रहे थे मशीन सेटिंग है, कोई भाई मेरे बोल रहे थे, अभी आप ही को बोल रहे थे। किससे कराने वोट आपको? वोट कराने ईवीएम से तकलीफ है आपकी? नहीं नहीं, हमको नहीं तकलीफ है, जो वकील जो लड़ रहे हैं, एडवोकेट जो लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम होगा सर। भैया बात पे एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? हम रहते हैं तो हमको संविधान और सुप्रीम कोर्ट को मानना होगा। भैया सुप्रीम आपके विपक्ष के जो वकील है ना, प्रशांत भूषण, बोल वो गए थे ईवीएम के बारे में जानते, ईवीएम से लेने, समझे, ईवीएम पे सवाल उठाने गए थे आपकी तरफ से वो प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आईना दिखाया प्रशांत भूषण को कि चुप्पी हो गया, चुपचाप कोर्ट से बाहर निकल गया। पहले जानकारी लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ज्ञान दिया है भैया। अरे केजरीवाल 70 में से 67 जीत जीता तब आपको ईवीएम से कोई नाराजगी नहीं होती? बीजेपी की 270-300 सीट आ जाए तो तुम्हें ईवीएम करने लग जाते हो यार? नहीं, भाजपा जीतती है तभी ईवीएम में गड़बड़ होती है, ऐसा नहीं है। और मतलब ये हम नहीं बोल रहे, ये आप देख रहे हैं, 67 सीटें आई की जी, बीजेपी नेता ने ये नहीं बोला कि ईवीएम गलत है, नहीं बोला, आपने सुना? सिर्फ ये, अच्छा ये बताइए, बंगाल में चुनाव ईवीएम से होता है, बैलेट पेपर से होता है? ईवीएम से होता है, ईवीएम से होता है। तो बंगाल में ईवीएम सही कैसे हो जाती है? ईवीएम सही हो जाती है, मतलब कभी गड़बड़ भी होती है, कभी सही भी होती है। गुजरात में गड़बड़ हो जाती है? ये भटके हुए आदमी है, इन बेचारों को एक चीज बोला गया है तो वहाँ पे जाओ ऐसा ऐसा बोलना है। ये बेचारे इनकी गलती नहीं है, वो ममता दीदी की गलती है, इनको यहाँ भेज दिया बंगाल से, बस यही गलती है उसकी, मेरा यही कहना है। अब जो है ना,
अब देश की प्रधानमंत्री जो है ममता बनर्जी बनने जा रही है, आप लोग उनके लिए ताली मार। कब देखा अली भैया ये सपना? हमने नहीं देखा है, ये पूरा देश देख रहा है। कितने प्रदेश में एक बार है, कितने प्रदेश के, कितने प्रदेशों में उम्मीदवार उतारे आपने? सुनिए, वो ममता दीदी ने कितने प्रदेशों में, प्रदेश में उतारे? जब होगा, जब वो लोगों का गठबंधन का, अभी नहीं है बंगाल में, लेकिन जब होगा तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन, गठबंधन ममता ने पूरे देश के लिए किया है या बंगाल के लिए किया है? पूरे देश के लिए किया है, लेकिन जब देश में कितने उम्मीदवार हमारे? 42 से 42। अब देखिए 42 साल सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, 42 साल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वाले, फिर क्या करेंगे? 400 वाले, आप नीतीश कुमार का बयान नहीं सुना? नीतीश कुमार ने बोला 4000 भैया, तो बोलिए 4000 वो सीट कहाँ से लाएंगे भैया? 42 वाले पहले 42 वाले 42 तो जीत लो, 42 वाले बोल दिया था कि आलू डालो सोना निकले, कहाँ से बनाएगा वो सोना? जैसे वो नीतीश कुमार जैसे बीजेपी में गए, वो सीधा 4000 बोल दिए, 400 भी नहीं। अरे 40 आना मुश्किल। देखिए इनका जो जवाब है ना, इन्होंने मोदी की नीतियों पर, सुनिए भाई आलो, ये बताइए मोदी जी ने 3 तलाक लाया तो इससे आपको फायदा है कि नहीं फायदा है, जो आप विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? पहला बात तो हाँ सुन, होता नहीं है क्यों? 3 तलाक जो कानून था आपके देश में, मोदी जी ने इसको लाया क्या किया? और 33% जो महिलाओं का आरक्षण लाया मोदी जी ने, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? सबका साथ होता नहीं है। क्यों नहीं होता था भैया? मतलब एक कानून झूठे, यही तो आपको जानकारी नहीं है, यही तो हाँ कि हम तलाक तलाक करके 4 शादी कर ले, 5 शादी कर ले, खुश रहे, हमारी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज अगर 3 तलाक दो तो सिद्धि पुलिस ले जाएगी, उठा के चलो बेटा आ जाओ इधर। 3 तलाक जो है ना वो लड़कों के लिए होता है, 3 तलाक अगर लड़के बोलते हैं तो निकाह टूटता है, और अगर औरतें खुला बोलती हैं, औरतें नहीं लड़के तो बोलते थे, आपने तो उल्टा लाया है। मैंने 3 तलाक अभी तक बहस चल रही है, आप देख लीजिए हर जगह। अरे उसे ओबीसी जैसे नेता उसका विरोध कर रहे हैं, ये आप मानोगे नहीं मानोगे प्राथमिकता मोदी जी की? आप प्राथमिकता मानोगे नहीं साहब, आप आ जाओगे? मोदी जी को मानते हैं, हाँ। बीजेपी में बहुत सारे जो लोग हैं, हाँ। जो दल बदलू हैं, हाँ। जो कुछ भी मतलब कि कहीं पर भी कुछ करो, हाँ। और फिर सीधा बीजेपी में आकर के वॉशिंग मशीन में नहा करके क्लीन हो जाओ। राहुल गांधी को उसी मशीन में डाल दीजिए, क्या दिक्कत? राहुल गांधी ठीक देश के लायक है और वो देश चलाएंगे। लायक है, एक मिनट के लायक है, इसलिए एक मिनट लायक है इसलिए राजस्थान हार गए, लायक हैं इसलिए एमपी हार गए, लायक हैं इसलिए गुजरात हार गए, लायक हैं इसलिए उत्तराखंड हार गए, लायक हैं इसलिए पश्चिम बंगाल हार गए। क्या उनके उनके मशीन को चेक करवाना होगा? तो आप इस लायक भी नहीं? नहीं नहीं, मशीन चेक करवाना होगा। क्यों नहीं लायक? लायक भी नहीं है। क्यों लायक नहीं है? 10 साल में चेक नहीं करा पाए, 10 साल में राहुल गांधी लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए? देखिए इस देश में सबको अपना बात रखने का हक है, ठीक है, लेकिन ये परिणाम की बात चल रही है। नहीं बात रख रहे हैं वो बात रख रहे हैं। आप अगर 30% लाने के बाद में ये कहो मेरा पप्पू पास हो गया